फिर क्या फिर? तो आज हस्बैंड ने लगाई है किनारी टोपी। कल के ब्लॉग में बोला था इन्होंने कि कल मैं जाऊंगा कोट जी टोपी लगा के, तो आज जा रही टोपी लगा के। मौसम आज भी ख़राब है। और आशा करती हूँ आप सभी होंगे अच्छे मस्त मज़े में, मैं भी एकदम बढ़िया। और बारिश लगी हुई है, बस ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और जुकाम बुखार हो रखा है। काफ़ी दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है। मेडिसिन के लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। जो मेडिसिन नहीं ली जिन्होंने वो ठीक हो गए? इन्होंने मेडिसिन नहीं ली और इनका कोल्ड जो है वो जल्दी ठीक हो गया, बट मैंने ले ली और मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। जितनी मैं सोचती हूँ कि ठीक हो गया उतनी में फिर से हो जाता है। जितनी मैं सोचती हूँ ठीक हो गया उतनी में फिर से हो जाता है। नहीं, कोरोना नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचना कोरोना हुआ है। नहीं पहन रहे हो? नहीं। जिस दिन काम कम होगा उस दिन लेंगे, ले जाएंगे मेरे हस्बैंड आज ले जाएंगे। क्यों ये भारी है उठाने को? अरे नहीं फिर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके पहनते हम अपनी किनारी टोपी। जी भैया देखो तो मेरे ऊपर कैसी लग रही। इतनी बड़ी देखो है। इतनी बड़ी मतलब क्या मतलब? छोटा सिर है। अरे आपका सिर बड़ा है ना, तो आपको तो बड़ी आनी। मेरा सिर मुंडी छोटी सी, तो मेरे को छोटी सी लगेगी। तो आपको मैं बाहर दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। थोड़े बादल थोड़ी बारिश, साथ में बारिश भी हो रही। देखो इस तरफ को मौसम थोड़ा सा साफ है और ये देखो इधर को कैसा बादल है, काला बादल बारिश वाला। बारिश हो रही है, आगे मत जा। क्या बोला तेरे को? इधर आ जा, इधर आ जा, बारिश हो रही है। दिनों के बाद देखो सूर्य देव ने फाइनली जो है दर्शन दे दिए और सच में काफी अच्छा लग रहा है। वो धूप आ रही है और ये भी नहा के रेडी हो गई है। इसको खाना खिलाने के आया मेरे को। धूप लगी हुई है ज्यादा है। यूपी बिहार गुड्डी मासी का है बिहार में। अच्छा तो इनके तो अपनी सेफ्टी होती है। अक्कू दिखा तो वाला क्या कर रही है? अच्छा शार्क तो नहीं कर रही है? ये गाय भी बेचारी ऐसी चली हुई है। मैं कहूँ गाय नीचे से गई अभी। ये देखो अक्कू मैडम और उसकी म्याऊं। क्या हो रहा भाई तुम दोनों के? प्यार कर ले, कर ले भले इसको प्यारी। तब पारी दे दे इसको, कर पारी कर दे इसको, ऐसे जछाप करती उसको पारी। दूर से इतनी दूर से कर रहे हो इसको पारी, नज़दीक से करो ना। एक अच्छी पाई अच्छी। इसकी कैटू सो रही है भाई, ठंड लगी इसको भी। क्या करे बेचारी किसी को। देखो गद्दी पे बैठ के कुर्सी पे आराम से। जी हमारे बन रहे आज मटर मशरूम। प्याज काट के रख दिया हमने। तो जी हमारी जो अक्कू है वो चली गई है अभी अपने दादू के साथ शॉप पे, क्योंकि जैसे कि हम बना रहे मटर मशरूम तो जो मटरों की संख्या है वो थोड़ी कम हो गई है। तो हमने कहा चलो फ्रेश मटर लेके आते हैं। बाकी मौसम देखो ख़राब हो गया पूरी तरह से, फिर से ठंड लग रही है। देखो दिमाग में मैं बोलिया
तो जी ये देखिए मेरे मटर मशरूम जो है मैंने तड़का मार दिए इसमें, और अब बस इसमें तरी लगाऊंगी मैं थोड़ी सी देर में। और ये साथ मैंने पानी गर्म कर दिया है। मटर मशरूम बन रहे आज मेरे डिनर में, और जैसे कि मैंने अभी तड़का मार दिया तो थोड़ी देर ना मैं इसको अच्छे से राड़ा लगा दूंगी, और मैंने पानी भी गर्म कर दिया। आज मैं बना रही हूँ मैं तरी वाले मटर मशरूम, और बनेंगे जी चावल। तो आपको बता दूँ, आपको पीछे चली गई घूमने अपनी अम्मों के साथ चली गई घूमने, क्योंकि उसको तो वही घूमने का रहता है। वैसे अभी थोड़ा सा साफ भी है, मैं कहा चलो घूम ले थोड़ी देर, क्योंकि बच्चा अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और फिर इरीटेट सी हो जाती है वो। और पतिदेव जी अभी आए नहीं है, आएंगे 5 बजे के बाद आएंगे। तो मतलब जुकाम बुखार ही इतना है, मेरे कितने दिन हो गए तब से, थोड़ा सा रिलीफ तो है मतलब ना, बट उतना कम्प्लीटली रिलीफ नहीं हुआ है। और कोई पापा सुबह बोल रहे थे कि ज़्यादा जुकाम बुखार मत कर, ज़्यादा जुकाम बुखार मत कर, ऐसे सोचेंगे कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल ऐसे सोचते थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार हो गया नहीं तो लोग सोचते पक्का कोरोना ही हो गया। तो चलो कोरोना भी ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी को हो भी जाता तो इतना डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपना परहेज करना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा वायरल है आजकल, सबको ही हो रहा है जुकाम सर्दी खांसी, बस अपने गर्म कपड़े पहन के बैठो, ठंड मत लगाओ, ये जो इसका है सबसे बड़ा इलाज है, और दवाइयाँ वगैरह ले लो, बस खुद भी सेफ रहो दूसरों को भी सेफ रखो। और जी बस यही बोलना है। जो मटर मशरूम है ना, पानी इतना होता है अपने आप ही पानी निकल जाता है, जब मैंने इसमें तड़का मारा था ना तब इधर तक था मटर मशरूम मेरे, इधर तक, चलो मैं दिखाता हूँ आपको इधर तक, अब तक कितना इतना नीचे पहुँच गया। बस अब ना मैं इसमें तरी लगा दूँगी थोड़ी देर बाद, तो जी ये देखो जी तरी मैंने डाल दी, अब लगा दी मैंने तरी, अब मैं इसमें लगाऊंगी ढक्कन, फिर 5-10 मिनट बाद कर दूंगी इसको बंद, आ जाएगी 2 की सीटी। बस फिर आज एंजॉय करने वाले हैं अपना डिनर, मटर मशरूम एंड राइस। ये देखिए जी मेरी मटर एंड मशरूम जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब, और ये कैसे लग रहे हैं, दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक खाने में भी टेस्टी बने होंगे। तो जी अब मैं इसको कुकर से निकाल लूँगी। मटर मशरूम बन गए और ये चावल बन गए, आपको दिखाती हूँ मेरे साथ अभी किचन में है, आपको मैडम जो अभी खेल रही है ये देखो मुझे खेल रही बैठ के, बाकी सब बाहर है, थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारे पति देव जी है वो पहुँच चुके हैं, आते ही उनको मैंने काम दे दिया है, क्योंकि कल जो है वो मेरे हीटर की क्रोड ख़राब हो गई थी, फिर अचानक से जल पड़ी और रात को फिर से बंद हो गई, तो हीटर तो आजकल भाई ज़रूरी है रूम में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, और ये इसकी रॉड ख़राब हो गई, खोल रहे हैं अब लगाएंगे इसमें रॉड। तो पति देव जी जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, क्या बताएं, मतलब जो भी कोई वैसी फील्ड नहीं जो इनको आता नहीं काम है ना, सारी फील्ड का ही काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन देख लो आप, प्लम्बर देख लो, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सा काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का भी करते हैं, प्लम्बर का भी करते हैं, और ड्राइविंग का भी, ड्राइविंग, हाँ ड्राइविंग का भी, क्योंकि हमारे ड्राइवर तो यही है, जब भी हमारे को जाना होता हम बोलते हैं ड्राइवर ढूंढो ड्राइवर, तो हमारे को याद आता है जी हमारे ड्राइवर, हाँ हिसाब किताब, मुनीम, मुनीम का काम भी यही करते हैं। और जी और कौन सा काम हुआ, मेरे घसे क्यों लगाने, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी मजाक कर रही हूँ मैं, मजाक कर रही हूँ, मेरे पति देव जी तो बड़े अच्छे इंसान है, अरे धोया हुआ एंकी है ये, तो किससे करूँ, रुक जाओ एक घड़ी रुको, इससे कर दूँ पार्टी से, धूल हल्की हल्की इसमें मैंने अपनी नोजी साफ की हुई है क्योंकि जो काम आ रखा है, चलो इसी से करो, इसी एंकी से करो, करो आप इसी एंकी से, मैं धो लूंगी, धूल कोई बात नहीं मैं धो लूंगी इसको। और
एक खराब ना करी, क्या करी तू? हुकूमत करो इसको। और ये अपने पापा की असिस्टेंट है ना। हाँ जी, नई रोड ये वाली पुरानी है, पता नहीं। ए ए यहाँ पे, और अब इसमें लगाएंगे हम ये वाली। अब खराब है, फेंक देनी है इसकी। कहाँ चाह सकती, कहाँ में एलिमेंट जड़ा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसको बचा लेंगे, तब रख देंगे, फेंक देंगे। तो नहीं लाएंगे, फेंक देनी जब खराब हुई तो। नहीं लाएंगे तो यहाँ पर कांच ना टूटे, कांच ही कांच हो जाएंगे नीचे। देख लियो जी तोड़ा तो, तब देखियो अक्कू फिर। कांच ही कांच हो जाएंगे। तोड़ दी एलिमेंट तो, ये देखो टूटा हुआ, ये तो टूट सड़ गया ना। ये कांच हो जाएगा, ये ले ले इसे, ये देख कांच हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे लगाते इसको, ऐसे देखते हैं कुछ ऐसे लगाएं। ऐसे रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें कुछ। अरे तो मैंने भी लगा देना, दो मिनट में लगा दो। तभी क्या है इसमें, ये नीचे फसाना है इसमें ऐसे। हाँ, बस ये ऊपर फसाना है, फिर टाइट करना पेचकस से। बस बस बाहर से फिर ये लगाना, कांगे वो जाली ऐसी, फिर चिपकानी जाली ऐसी। बस इतना सा, वो तो मैंने भी तो कर लेना है। देखते वाला हीटर चलेगा या नहीं, दूसरी भी तो चला दो, तब पता चलेगा दोनों। पेन चेक करना है जी, कहीं इसका ना जले, रिफ्लेक्टर ना ठीक से लगी है। जल लगी तो लगी, लगी तो लगी, कुछ जली तो जली। अब ठीक हो गई तो ये क्या हुआ, ये बीच से काली काली क्यों है, ये घूम क्यों रही गोल? क्या घूम रही है, ये तो पाइप घूम रही थी इस गोल। नहीं, बीच में थोड़ा काली काली सी क्यों लग रही है? एलिमेंट बड़ा हुआ है, अभी टाइम लग रहा है इसको गर्म होने में, शायद ज्यादा बड़ा। पटाखा भी हो जाता है? नहीं नहीं, पर ध्यान रखना पड़ेगा ना थोड़ा। दूसरी भी चलाएं? अरे एक से मैं चेक कर रहा ना कि जले ना वो, पहले भी वो रिफ्लेक्टर जल गया था इसका, ज्यादा जैसे गर्म हुआ ना थोड़ी देर, इसको ही रहने दे, यहीं रहना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी, जलने की स्मेल ना है। वो रिफ्लेक्टर नहीं होता पीछे इसमें, ये जल गया जैसे, वो उसने पहले गलत लगाई थी ना, तो चेंज करा दिया था हीटर ही मैंने, तभी मैंने खुद डाली। हीटर हो गया है ठीक, पति देव जी ने कर दिया है ठीक ठीक। ये तो होना ही था, ये तो छोटी मोटी चीज मिल रही है। अपनी तारीफ देखो तो भला। पापा, 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 मम्मी। तो जी खाना वगैरह खा के आ चुके हैं अब अपने रूम में, और टाइम हो रहा है अब सोने का। हाँ जी, हाँ मैं दूंगी आपको। और जैसे कि मैंने आपको आज अपना दिन भर का जो मैंने किया वो दिखाया, और ये आ गया कुका यूनिकॉर्न भी मेरे पास, और मेरे को बड़ा प्यारा लगता है ये, मेरा भी साथ खेलने का मन था, मैं भी साथ खेलती हूँ। दे मेरा है, दे चुन्नू मुन्नू से दो भाई, यूनिकॉर्न पे हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मेरा है, मुन्नू बोला मेरा है, इस रात ये देती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट।